कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच 26 मार्च को G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई को वैश्विक लड़ाई में बदलना चाहते हैं। इस सम्मेलन में प्रतिभागी देश अपने चिकित्सा ज्ञान और संसाधनों में तालमेल की मदद से वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकेंगे। ये जानकारी इस बैठक से जुड़े लोगों ने दी है। 26 मार्च को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का लक्ष्य सदस्य देशों के लिए सबसे खराब स्थिति में अपनी चिकित्सा क्षमता को बढ़ाने के लिए होगा और वायरस के प्रसार को रोकने एवं उसके इलाज के लिए प्रयास करना होगा। 26 मार्च को होने वाली G20 देशों के शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के अन्य नेता शामिल होंगे। सऊदी अरब ने पिछले सप्ताह ही G20 शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने का आह्वान किया था। उसने ये आह्वान ऐसे समय पर किया है, इस वैश्विक संकट से निपटने को लेकर समूह की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने तेजी से कदम नहीं उठाए जाने को लेकर उसकी आलोचना हो रही है। छब्बीस मार्च को होने वाली ये बैठक कोरोना वायरस महामारी और उसके मानवीय और आर्थिक प्रभाव से निपटने को लेकर समन्वित उपायों पर विचार करेगा। इस बैठक में इटली, स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन आदि शामिल होंगे। G20 में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।